एपीएमसी न्यूज डिजिटल बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। मुंबई एपीएमसी मसाला मार्केटमधील धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्यामुळे मुंबई एपीएमसी मसाला मार्केटला दिवाळी भेट मिळाली असून जीर्ण मध्यवर्ती इमारत लवकरच अलिशान इमारत होणार आहे। पहा याबाबतचा सविस्तर रिपोर्ट। गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोनाच्या प्रकोपाने त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी वातावरण जवळपास लॉकडाऊन मुक्त झाले आहे। यावेळी एपीएमसी मसाला मार्केटच्या बाजार घटकांना केवळ दिवाळी उत्साहात साजरी करण्याची संधी नाही, तर मार्केटमधील सेंटर फॅसिलिटी इमारतीलाही दिवाळीची भेट मिळाली आहे। 272 गाळे असलेली ही 30 वर्ष जुनी इमारत नवी मुंबई महानगरपालिकेने 2 वर्षांपूर्वी अतिधोकादायक घोषित केली होती। तेव्हापासून एपीएमसी प्रशासन आणि गाळेधारकांमध्ये चिंताग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली होती। काय करायचे, कसे करायचे, परंतु 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एपीएमसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आल्याने या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावरील प्रश्नचिन्ह पुसले गेले आहे। मध्यवर्ती इमारतीची अवस्था खरोखरच दयनीय झाली आहे। जागोजागी गंजलेल्या सळ्या जीर्ण झाल्याची साक्ष देतात। पालिकेने ती अत्यंत जीर्ण श्रेणीत घोषित केल्यानंतर या इमारतीची दुरुस्ती करायची की पुनर्विकास करायचा यावरून एपीएमसी आणि गाळेधारकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते। अखेर 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एपीएमसी बोर्डाच्या बैठकीत इमारत पुनर्बांधणीचा ठराव संमत करण्यात आला। या निर्णयामुळे इमारतीला नवसंजीवनी तर मिळेलच, पण गाळेधारकांनाही चांगल्या सुविधा मिळतील। संचालक मंडळाच्या या निर्णयाबाबत विरोधी गोटात काहीशी अवस्था निर्माण झाली असली तरी बाजार संचालक या निर्णयाच्या बाजूने सुरू असलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेअंतर्गत गाळेधारकांना विश्वासात घेत असून हे काम जवळपास 70% पूर्ण झाल्याचे ते सांगतात। हमारे मुंबई एपीएमसी में जो मार्केट वन है, यानी कि मसाला मार्केट जिसको कहते हैं, उसमें एक सेंट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग है जो C1 यानी कि धोखादायक डिक्लेयर हुई है। उसको प्रश्न के लिए कि काफ़ी 2-3 साल से समभ्रम पड़ा रहा था और हाल ही में हाई कोर्ट के निर्देश न्यू बॉम्बे के लिए भी आए हैं कि जितनी C1 बिल्डिंग है उनको तत्काल खाली किया जाए और उसमें किसी को वापर करने लायक रखा नहीं जाए। ये विषय सभी संबंधित लोगों से चर्चा काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन कोई उसका निकाल हो नहीं पा रहा है। इसलिए कल हमारी जनरल बॉडी की जो मीटिंग थी उसमें विषय रखा गया था और उसमें ऐसा तय हुआ है कि ये जो C1 डिक्लेयर की हुई बिल्डिंग है उसको रीडेवलप किया जाए। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ से शुरू होगी और जो भी इसकी आगे की प्रोसेस है वो जल्द से जल्द चालू होने में अब सहायता होगी, क्योंकि अब बोर्ड ने रीडेवलपमेंट को मान्यता दे दी। कांदाना बटाटा मार्केट काफ़ी समय से प्रलंबित है C1 में डिक्लेयर होने के बावजूद, इसलिए कि वो जो प्रश्न है वो कोर्ट में है। वहाँ पे जो गाढ़ाधारक है उन्होंने अपनी कुछ मांगनी रखी थी, जिस पर आगे कुछ समय पहले ही एपीएमसी के जो संचालक मंडल था उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे मान्यता दी थी, लेकिन पिछले 6 सालों में प्रशासक था तो उस विषय पर कोई प्रगति नहीं हो पाई। और अभी जो नया बोर्ड स्थापित हुआ है 1.5 साल से, उसके तहत उस विषय पर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका भी एक समाधानकारक ऐसा निर्णय लगकर वो काम भी शुरू होने की शक्यता है। सर, मेरा नाम अशोक राणावत है। मैं बॉम्बे सुगर मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और बॉम्बे गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये बिल्डिंग के बारे में काफ़ी दिन चर्चा चालू है, अभी भी कोई डिसीजन पे पहुँचे नहीं हम लोग, ना एपीएमसी पहुँच पाया ना हम लोग पहुँच पा रहे हैं। कोई डिस्कस पूरा हो नहीं रहा अभी तक। अभी कल मैदी मिली है कि इन लोग का मीटिंग बोर्ड मीटिंग में कुछ हुआ कि इसको रीडेवलप करना है, तो हमें अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो हम भी चाहते हैं काम जल्द से जल्द कुछ भी हो डिसीजन होना जरूरी है। रीडेवलप हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है या रिपेयरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं, पर होना बहुत जरूरी है। काफ़ी दिन से चल रहा है और काफ़ी नोटिस हमको आ चुकी है। तो हमारी एक ही मांग है, बैठ के सब बैठ के चीज़ को फाइनल करें कि ये डिसीजन भी देना चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए, कितना फूट देंगे, क्या देंगे, हमको कहाँ देंगे, क्या शिफ्टिंग करेंगे, कितने दिनों में पोजीशन मिलेगा, वो सब क्लियर होने के बाद ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर।
नहीं, बोर्ड का डिसीजन अच्छा है कि रिलेव होना चाहिए, हम भी इसके फेवर में है। तो हम लोग कुछ भी डिसीजन होना तो फेवर जल्दी होना चाहिए, भले ही रिडेवलप हो या रिपेयरिंग हो, वो डिसीजन इमीडिएट होना चाहिए, हमको साथ में लेकर डिसीजन होना चाहिए। यस, पर साथ में लेकर सब व्यापारी भाइयों को साथ में लेके डिसीजन होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में जल्दी से जल्दी रीडेवलपमेंट का प्रपोजल लेने के और देने के लिए बताया गया है कि बोर्ड को बताया कि भाई सब घटक लोगों के साथ में कॉन्फिडेंस में लेके आगे ये नया रीडेवलपमेंट करना है हम लोगों को, तो उस हिसाब से उसकी प्रक्रिया चालू करो। नहीं नहीं, आप बोला नहीं है, उनके साथ में भी बातचीत चालू है। अगली दिवाली के बाद का वीक में हम लोग मीटिंग रखने वाले हैं, सब लोगों को घटक उन लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ में डिस्कस करेंगे कि उन लोगों को क्या कहना है, क्या सजेशन है उन लोगों का, उस मुताबिक की डिज़ाइन और उस मुताबिक का टेंडर निकलेगा। पर जब तक बोर्ड का डिसीजन कोई भी चीज़ का नहीं होता है तो उस हिसाब से बात करने का कोई पर्पज था ही नहीं कि भाई एक दफ़े बोर्ड फाइनल कर ले रीडेवलपमेंट करना है रीडेवलपमेंट, क्योंकि वही बिल्डिंग के अंदर काफ़ी लोगों का रिपेयर की बातें चल रही थी, तो पेंडिंग रख रहे थे कि भाई NMMC से परमिशन आवे, पर NMMC से कोई परमिशन देते नहीं थे। उस हिसाब से अभी बोर्ड ने फाइनल कर लिया कि रीडेवलपमेंट करो, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बिल्डिंग वापस मिल जावे, जगह जल्दी से जल्दी जगह मिल जावे, थोड़ा ज़्यादा मिले, अच्छे में अच्छी सुविधा वाला बिल्डिंग बना के देवे। APMC से डिमांड करेंगे कि उन लोगों को अच्छी में अच्छी बिल्डिंग बना के दे, ताकि अगला 30-50 साल तक कोई देखने के लायक नहीं। बाकी हर एक लोगों की मेरी बातचीत चालू है, हर एक लोग हर एक घटक के साथ में मेरी बातचीत चालू है, हर एक लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपकी डिमांड क्या है, आपकी सोच क्या है, कैसी ऑफिस नया बिल्डिंग होना चाहिए, क्या क्या सुविधा आप लोगों को चाहिए। सब लोगों का रीडेवलपमेंट का सिग्नेचर भी मैं ले रहा हूँ कि ताकि उन लोगों को भी कॉन्फिडेंट आवे। APMC की डिमांड लेटर बनाया है, उनके ऊपर हम लोग डिमांड ले रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिर भी जनरल अभी सब लोगों को बुलाएंगे और जो छोटे मोटे दल हैं जो अंदर बिल्डिंग में, उन लोगों को भी अलग अलग सोच रहती है हर एक जगह पे, तो उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेके सबका अभिप्राय लेके आगे बढ़ेंगे। और रहने के लिए बंदोबस्त के लिए भी अभी जिस तरह से जो नया बिल्डिंग बनाने वाले हैं, नया बिल्डिंग बनाने के वक्त पे हम लोग ये ध्यान देंगे कि उनको रेंट देना चाहिए, एक दूसरा कि जल्द से जल्द 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हो जावे, ताकि उन लोगों को वापस अपना पोजीशन मिले, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होवे। अच्छी नई सुविधा वाला बिल्डिंग बनाना चाहिए, नया सुविधा वाला बिल्डिंग बनाना चाहिए और टिकाऊ बिल्डिंग होना चाहिए कि जैसे कि जल्दी से जल्दी 50 साल तक कोई तकलीफ नहीं आवे। अभी फिक्स तो कोई प्लान बनाया नहीं है, सजेशन लेने के बाद में नक्की करेंगे उस हिसाब से टेंडर निकलेगा, पर कोशिश तो मेरी रहेगी कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा स्क्वायर फुट मिले डिलीवरी। माझं नाव उत्तम बनगे आहे, मी नवी मुंबई ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचा सेक्रेटरी आहे आणि या इमारतीचा चेअरमन आहे। माझ्यासोबत या इमारतीच्या असोसिएशनचे ट्रेझरर आहेत। पहिली गोष्ट की याचं पहिलं ज्या वेळेला महापालिकेनं ही इमारत धोकादायक केली त्याच्यानंतर आम्ही ऑडिट केलं आहे, ही बिल्डिंग IIT आम्हाला सांगितलं आहे की ही बिल्डिंग रिपेअर होऊ शकते, परंतु APMC मानसिकता नाही आहे की ही इमारत रिपेअर करायची, त्यांना पुनर्बांधणी करायची आहे, हे पहिल्यापासून आम्हाला थोडीशी शंका होती, तर पुनर्बांधणी करू द्या, त्याबद्दल आमचा काय आत्ता विरोध करण्यात काय अर्थ नाही, कारण परिस्थिती अशी आहे, प्रशासकीय अधिकारी व्यक्ती आणि राजकीय अधिकारी व्यक्ती यांच्या विरोधात जर सामान्य माणसाला जर काय ॲक्शन घ्यायचे असेल तर त्याच्याकडे कुठलाही पर्याय राहत नाही, शेवटचा पर्याय राहतो तो कोर्टचा, आणि कोर्टामध्ये जर सामान्य माणूस जायचं म्हटलं तर त्या गोष्टी सामान्य माणसाला परवडण्यासारख्या नाही। तर मग APMC आता जर ठरवलं आहे की बाबा बिल्डिंग नवीन करायची तर आमचं काय दुमत नाही आहे त्याची, फक्त आम्हाला आम्ही जे 272 टेनंट आहोत, गाळाधारक जे आहोत, यांना विश्वासात घेऊन काय प्रक्रियेतून काय
कशी करणार आहे एवढा आमदारांच्या समोर खुलासा करावा, बस एवढंच आमचं म्हणणं आहे. नाही, इमारत परत. तुमचे नाव सांगा आणि तुमच्या इथे काय बिझनेस आहे? माझं नाव आहे विठ्ठल धुमाळ. माझा आहे ट्रान्सपोर्टचा बिझनेस आणि हा कमिटी मेंबर आहे इथला. मला एवढं सांगायचं आहे की बिल्डिंग रिपेअर होत असेल ह्यांनी रिपेअर करायला पाहिजे. ते एक वर्ष झालं कुठलाही निर्णय घेत नाही. की आय आय टी म्हणते रिपेअर केलं तर 10 ते 15 वर्ष चालेल, पण नवीन बनवायचे तर कशाप्रकारे नवीन बनवणार आहेत? आणि 272 लोकांना प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल लेटर अजून काय आलेलं नाही किंवा किती वर्ष लागणार, कसं होणार, तोपर्यंत ह्या लोकांना कुठं शिफ्ट करणार, का रेंट देणार, या सगळ्या गोष्टीचा एपीएमसीने खुलासा करावा. बाकी काय आमचं म्हणणं नाही. मेरा यहाँ पे आरजू एंटरप्राइजेस बोल के बिजनेस है. मैं 1992 पासून इथं आहे आणि तरी पण पहिले फार थोडा वेळ चांगला होता, पण पाठ्यामागे 10 वर्षापासून या बिल्डिंगची परिस्थिती लई खराब जास्त झाली आहे. इथं एपीएमसीवाले पण काय ऐकत नाही. त्यांची आपल्या डोक्यामध्ये जे चालतं आहे त्यांचंच चालतं आहे, बाकी आपल्याशिवाय काय ऐकत नाही, कोणी पण ऐकत नाही. आणि आपल्या मार्केटचे कमिटीचे जे लोक आहेत ते पण त्यांना पण काय डोका सुजत नाही. ते सगळे एपीएमसीकडून मध्ये मध्ये एकच झाल्यात आणि आमची आम्हाला तकलीफ देतात. रिडेव्हलपमेंट तर चांगली आहे. रिडेव्हलपमेंटमध्ये आमची काही तक्रार नाही. रिपेअर व्हायला पाहिजे. आम्ही जे बसलो आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला बसायला पाहिजे. हां. ब्युरो रिपोर्ट, एपीएमसी न्यूज. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी एपीएमसी न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.